मूवी की शुरुआत में हम बच्चों का समर कैंप देखते हैं, जिसे गिल्बर्ट नाम का बूढ़ा आदमी और हैदर नाम की उसकी लड़की चलाती थी। साथ ही हम देखते हैं कि हैदर के दो बेटे पीटर और शॉन, पीटर की गर्लफ्रेंड लॉरेन और उसका भाई, और हैदर के कुछ दोस्त भी उस कैंप में बतौर काउंसलर मदद कर रहे हैं। आज कैंप का आखिरी दिन था तो हैदर का बड़ा बेटा वैन से बच्चों को घर छोड़ने चला जाता है। वही गिल्बर्ट भी वहाँ से अपने घर चला जाता है। अब रात को सारे काउंसलर्स एंजॉय कर रहे थे। हैदर का छोटा बेटा पीटर सबको एक भूतिया नर्स की डरावनी कहानी सुनाता है, जो यहाँ जंगल में बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करती थी। पकड़े जाने पर उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो वो इसी जंगल में पागलों की तरह घूम घूम कर एक दिन मर जाती है। पर वो आज भी इस जंगल में भूत बनकर घूमती है। वो खून की प्यासी है और अगर उसे बुलाया जाए तो वो उन सबको मार डालती है। अब पीटर की इस कहानी को सुनकर मजाक में कुछ काउंसलर्स रिचुअल करके उस भूतिया नर्स को बुलाने की कोशिश करते हैं। वहाँ हैदर के बड़े बेटे की वैन सुनसान रास्ते पर अचानक बंद पड़ जाती है और वैन से सभी बच्चे भी अब गायब हो चुके थे, इसलिए वो अपने नाना को कॉल कर बुलाता है। वहाँ कैंप में अब एक काउंसलर पर अजीब सा असर होने लगता है। वो एक लड़की को जान से मार देता है, फिर हाथापाई में दूसरा काउंसलर उसे मार देता है। हैदर पुलिस को कॉल करने जाती है तो फोन ही फट जाता है और उसके कान से खून बहने लगता है। पीटर की गर्लफ्रेंड जब फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढ रही थी तो उसे वहाँ उसी नर्स के एक्सपेरिमेंट्स के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स देखकर पीटर को यकीन नहीं हो रहा था। वहाँ जंगल में किसी ने एक काउंसलर की जीभ भी काट दी है। यहाँ हैदर उन एक्सपेरिमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स को देखकर बताती है कि पीटर ने सुनाई हुई नर्स की कहानी असल में सच घटना है। वहाँ जंगल में दो काउंसलर्स देखते हैं कि बच्चे जमीन को खोद रहे हैं और फिर उस गड्ढे से उस नर्स की आत्मा बाहर आती है। वो आत्मा सारे बच्चों को उन सभी काउंसलर्स को मारने का ऑर्डर देती है और सभी बच्चे अब एक एक कर काउंसलर्स पर हमला कर उन्हें मारने लगते हैं। तभी गिल्बर्ट वहां आते हैं और हैदर के बेटे पीटर पर गुस्सा होते हैं, क्योंकि नर्स की आत्मा उसकी गलती की वजह से ही वापस आ गई थी। अब गिल्बर्ट इससे जुड़ी सारी हकीकत बताने लगते हैं। वो कहते हैं कि अपनी जवानी में जब वो ऐसे ही एक समर कैंप में अपनी पत्नी के साथ इस जंगल में आए थे तो एक नर्स भी उनके साथ थी, लेकिन उस समर कैंप में उनकी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो मर गई। बाद में गिल्बर्ट ने उस नर्स के साथ सगाई कर ली, पर धीरे धीरे गिल्बर्ट को पता चलता है कि दरअसल उस नर्स ने ही उनकी पत्नी पर एक्सपेरिमेंट कर करके उसकी तबीयत खराब कर दी थी। वो कैंप के बच्चों का खून निकाल कर उन पर एक्सपेरिमेंट कर उन बच्चों को अपने वश में करना चाहती थी, इसलिए गिल्बर्ट उस नर्स को जान से मार डालते हैं और उसकी लाश इसी जंगल में दफना देते हैं। और तभी से वो नर्स इस जंगल में भूत बनकर रह रही है, पर वो सिर्फ तभी आती है जब उसे बुलाया जाए, और जब वो आती है तो मौत का खेल फिर से शुरू हो जाता है। अब सभी रिचुअल कर उस नर्स को मारने के लिए उसकी आत्मा को बुलाने लगते हैं। वो सब अलग अलग ग्रुप बनाकर उसे मारने के लिए उसे ढूंढने लगते हैं। तभी पीटर को लॉरेन के भाई की चीख सुनाई देती है, पर पीटर जब वहां जाता है तो वहां उस पर नर्स हमला कर उसे मार देती है, फिर नर्स गिल्बर्ट को भी मार देती है। जैसे तैसे सब काउंसलर्स अब नर्स को पकड़ लेते हैं और उसे फिर से सब कुछ ठीक करने को कहते हैं, पर वो नर्स हंसने लगती है तो सारे मिलकर उस नर्स को मार देते हैं और उसके शरीर के टुकड़े कर सुबर नदी में फेंक देते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है।